अच्छा गर्म पानी से नहाना नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ये हमें पढ़ लीजिए ना, तब से पासवर्ड लगा दिया फोन में। पापा ये पूरे रात खराब करेगी ये। तो खराब करने वाला काम क्यों करती है? मैंने क्या किया है, कुछ ऐसा है ही नहीं जबरदस्ती। उसके वो तुम्हारा क्यों डाली? क्या डाली? सर को नाम? अरे मैंने उसकी आईडी से मंगवा रखा है। तुम्हारा कोई आजकल देख तू कुछ भी मत बोल, हट जाओ अभी। तू कुछ भी मत बोल पापा, इनको बोल दो चुप होने के लिए। आप मार दे झाड़ू, मार दे। अबे जो पसंद आएगा मंगवाएंगे नहीं क्या किसी से भी? पसंद आएगी तो सोच नहीं हो, उसके ससुर भी तो हो जाते। ऐसे ही कल हो गया था, सोए कल के वीडियो में दिख जाएगा वो काला क्यों हुआ था, समझ गई ना? बार बार मत बोला कर एक भी बातें। तुम जो मरा मुंह देखोगे मेरे से तब बात करोगे, नहीं बात करना चाहती तुमसे, हट जाओ मेरे सामने से। आज के बाद तुम मेरे से बोल मत लेना, अब गलती से। तो पापा से बात बोली है? बोल रही हूँ पापा से। चलो चलो मेरे से ना बोल, चलो बोल रही हूँ मेरे से मत बोलना आज के बाद। चल ना पहले, धीरे से नहीं बोल रही, तेज बोल रही हूँ। क्या बोल रही? चल आज के बाद मेरे से मत, पापा के सामने बोल। हाँ बोल तो दी, आज के बाद मेरे से मत बोलना। वो सामने बोलना, सामने बोल रही हूँ, मत बोलना आज के बाद मेरे से। हाँ बोल बोल बोल। अरे वो वीडियो बना रहा है पापा, ये जानबूझ के जो वीडियो बनाते हैं ना, ये आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये क्या है ना, सब जानती हूँ मैं। मम्मी देख रही है? अबे डिस्काउंट जहाँ मिलेगा वहीं पे देखेंगे ना। नहीं कलेज करती मैं, क्या रोज कलेज करना। ये क्या है ना, फोन में पासवर्ड लगा देते हैं, जब उसका मैसेज आता है पढ़ लेती हूँ तो हमेशा गलत गलत ही मैसेज आता है कि तो इस पे आ इंस्टाग्राम पे हमेशा। बोलते हैं दोस्त है तो दोस्त से कैसे बात करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो दोस्त से कैसे बात करेंगे? मेरे से मत बोलो पापा, इसको बोल दो रात को चुप। तो मेरे से मत बोलना, बोल दो पापा आप भी कि मेरे से नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं करूंगी कल ऐसे उसके लिए कुछ भी। मेरे से मत बोलो, तू कलेश करेगी। तू करके दिखाइयो, तू मेरे से बोल के दिखाना, तू करके दिखाइयो। कम बोला कम। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरे से मत बोलो। अरे मैंने बस ऑर्डर करवाया था उसके पास। अब ज्यादा हो रहा है पापा, अब इसको जरा समझा दो बढ़िया से। मैंने ऑर्डर करवाया था बस, समझ गए ना? अब जिसकी आईडी पे डिस्काउंट मिलेगा वही पे तो कराऊंगा। हल लेके आना बाबा के, और दिखा दो 500 रुपए कहाँ दिया मैंने। हल लेके आना ठीक है, दिखा दो पैसा कैसे दिया है। अरे तोड़ दूंगी फोन। दिखा दो पैसा कैसे दिया है। पैसा दिया था मैंने, पैसा यू भी बंद कर दो। चल कर रहे तेज आवाज कर ले, देख देख यूवी बंद कर दो। तनु तू कुछ भी करने से पहले तो सोचते नहीं है ना, है? हाँ तनु देखो, तनु तुम्हारा सच, तुम्हारा जो भी सोचना सही बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी जब आपको पता चलेगा ना, तो आप खुद अफसोस करोगे अपने पे कि आप इतने चिल्लाए मेरे पे। हाँ अफसोस करेगी फिर तू कि तूने मेरे पे चिल्लाया। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो क्या? अरे तू नाराज क्यों हो रही है? तुझे पता है ना, कल देखे मेरे से मत बोला करो। तुझे अपनी कंपनी के बारे में मैंने बता रखा है ना, मारने जाए ना कंपनी से मत बोला करो। तुझे पता है, तुझे पता है मार में गई कंपनी, मार में गए तुम, कोई नहीं है तुम मेरे। अरे यार तू रीजन बता के कुछ बोला कर, समझ गई ना? मत बोला करो मेरे से, बोल रही हूँ मेरे से मत बोला करो। क्यों ना बोला करो? कौन हो तुम मेरे? तूने पापा के सामने भी ऐसे बोला? बोल तो रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, पापा के सामने भी बोली। कोई रिश्ता नहीं है हमारा,
नाम का है, हट जाओ यहाँ से। नाम का क्यों है, क्या रीजन है? नहीं रहेगा। रीजन क्या है? वही, वो भी नहीं रहेगा। नहीं रीजन क्या है? नहीं वो जाओ ना जहाँ जाना है, बंद करो फोन मेरे सामने से। रीजन क्या है रिश्ता तोड़ने का? और तू ऐसे कितना जल्दी ले सकती है, ऐसे ले सकती है, है? इतना जल्दी ले सकती है क्या तू डिसीजन? हाँ तू नाम देख के भड़क गई कि भाई साहब उस वाले उस पे क्या नाम है कुरियर पे। हाँ यू भी बंद कर दो बेटा। और तन्नू, तन्नू सो गाइस अभी हुआ क्या है कि मैंने ऑलरेडी तन्नू को बता रखा है कि एक हमने एक कंपनी स्टार्ट किया है ट्रेडिंग के नाम से, डीएम ट्रेडिंग के नाम से। तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें इक्विपमेंट्स हो गए वो अपने रिटेल है। तो एक हमने साइड बिजनेस खोल रखा है कि भाई साहब उस पर हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके और अपना आप लोग ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट है आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा और उसके बाद आप लोग परचेज कर सकते हो। तो उस चक्कर में मैंने सभी लोगों को मैंने फॉरवर्ड कर रखा था। तो एक प्रैंक का चक्कर भी पड़ गया था कि भाई साहब एक प्रैंक कर देते तो दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो मैंने अपने ऑफिस में ऑलमोस्ट सभी बंदों को भेज रखा है कि भाई साहब इस अगर जो जो अगर ऑनलाइन परचेज करता है सामान जैसे अमेजोन से फ्लिपकार्ट से वैसे हमारी वेबसाइट से जाकर के अगर करेगा तो डिस्काउंट्स भी अच्छे हैं और हमें भी फ़ायदा होगा। तो उस प्रमोशन के लिए मैंने सबको शेयर कर दिया था। तो दीपिका मैडम से मैंने बोला कि मैडम एक मिनट के लिए शर्ट मैंने आप ऑर्डर कर दो। तो भाई साहब देखे हम लोगों ने जो पसंद आ गया मैंने ऑर्डर कर दिया। जैसे मैं घर पर आया तो इसने बैग में हाथ मारा, जब हाथ मारा तो उसमें दिखा भाई पार्सल, पार्सल पे सारा जो डिटेल्स होता है कि दीपिका अग्रवाल एंड ऑल जो भी लिखा है और उसके एड्रेस था, ऑफिस का एड्रेस था। तो उसने मंगाया था। तो ये उस लिफाफे को एनवलप को देख के ना भाई साहब भड़की हुई थी पूरी और पापा से भी काफ़ी इसने रूडली बात किया आज, रूडली वैसे करना नहीं चाहिए इसको, आप लोग सब समझा देना। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को आज वीडियो में मजा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, टेक केयर। समझेगी नहीं समझेगी, सबको समझ चुकी है ना? अरे हटो ना, तुमसे बोल कौन रहा है? ये प्रैंक बिजनेस लेवल पे था, ठीक है? और तू ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, तुम मेरे से ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, मत बोला करो, समझ गए ना? तनु यार समझने की कोशिश, मेरे से मत बोला करो ना, बच्ची नहीं हो, मेरे से मत बोला करो ना, बच्ची नहीं हो, मेरे से मत बोला करो, तुमसे बोलने के लिए तरस नहीं है। हरकत है नहीं मेरे सामने, मेरे सामने हरकत है नहीं, जो चीज सच है मेरे सामने भी हरकत है नहीं, जो चीज सच है। बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, बहुत जल्दी कलस्ती है ये, कलस्ती है ये, कलस्ती है ये बहुत ज्यादा। कलसने से कोई फायदा नहीं है, मेरा प्रैंक भाई बिल्कुल जेन्युइन होता है। कोई भी अगर ऐसा प्रैंक ले आएगा ना भाई साहब बता देना, मेरा प्रैंक बिल्कुल जेन्युइन होता है। कोई भी मेरा मतलब कि स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो मेरी लाइफ में होता है मैं उसी पे प्रैंक करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा लगे। तो इस प्रैंक में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या था। इस प्रैंक में बेसिकली ये था कि मैंने दीपिका के आईडी से मैंने शर्ट मंगवाया था, जो कि इसने एनवलप पे देख लिया कि दीपिका का नाम था और उसका एड्रेस था, ऑफिस का एड्रेस। तो ये देखने के बाद भाई माता जी भड़क चुकी है, पापा से भी बहसबाजी करने लगी है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि इसने ना घर वालों के सामने मेरे को नीचा साबित कर दिया बिल्कुल। इसने पता क्या पापा से बोला है, आज जाके पापा से इसने बोला कि पापा दीपिका से इसकी सेटिंग है। इसने ये बात बोला पापा से, बोला कि पापा नहीं ये दीपिका से इनकी बातचीत है, तो ऐसे 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 मैंने देख रखा है, ये बोलते हैं कि भाई गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहाना, मतलब ऐसे ऐसे करके इसने पापा से बताया। बट पापा को मेरे पर ट्रस्ट है, मैं गलत नहीं हूँ कि मैं प्रैंक करूँ, प्रैंक करता हूँ और हर चीज़ को गलत चीज़ को सही करके दिखाना मेरा काम है। क्या कर लेगी तू, तू क्या कर लेगी बता? बहुत गलत कर लूँगी आज, मेरे हम सामने से हट जाओ। क्या हुआ तनु, बेमतलब ऐसा नहीं करते यार, समझ गई? छोटी छोटी बातों का लाइफ में नहीं लेते। हटो मेरे सामने से, हटो अभी। तो तुझे क्या हुआ? हटो ना। तू इसी बात पर चिढ़ गई ना कि वो दीपिका ने मेरे को गिफ्ट किया है,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हटो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सामने से हट जाओगे। अरे मैंने अपने वेबसाइट से मंगवाया था। फोन लगाओ उसके पास, फोन लगाओ, फोन लगाऊं? हाँ आ जाओ, उठाओ, फोन लगाओ, उठाओ उठाओ। उठी हूँ मैं, लंका नहीं मार दिया कि मैं सो गई हूँ, ऐसे भी बात कर लो। फोन फोन लगाओ, कल ऑफिस में जाके वीडियो कॉल कर दूंगा। फोन लगाओ अभी, आज यदि फोन लगा के बात करा देते हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ यहाँ से, हट जाओ। चलो लो बात करो, चलो तुम्हारे बहाने मैं भी बात कर लूंगा। चाबी दो। तू मेरे पे शक करेगी ना? मैं तुमसे बोल ही नहीं रही। तू मेरे पे शक करेगी ना? हैं? तो शक करेगी तो मुझे जाने दे, मैं नहीं रहूंगा। जाओ ना, कहाँ जाना है, नीचे जाओ। सो गाइस, ये काफी शक कर रही थी मेरे पे, तो मनाली ना इसने, जहाँ गलती नहीं होती मेरी मैं वहां पे रूठ जाता हूँ। अच्छा वो देखो, अभी मैं जा रहा था घर से बाहर, 12:30 बज रहे, तो इसने मुझे रोका क्योंकि इसको पता चल गया कि मैं प्रैंक कर रहा था रियली में। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो इस चैनल पर नए हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों गई मेरे को बचाने के लिए? कोई बचाने किसी को नहीं गया। तो मुझे बचाने के लिए क्यों गई? तो मर रहे थे क्या बचाने के लिए? क्यों बुला के ले गई मेरे को? जा रहा था घर से बाहर, तो जाओ ना। जब विश्वास नहीं है वहाँ पर रिश्ता नहीं होता है। कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ रिश्ता नहीं होता है। घर में कोई दूसरा भी आता है ना, रात में किसी को कहीं नहीं जाने देते। कोई अच्छा नहीं है। तो फिर तूने मुझे क्यों रोका? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है ना, तो मुझे जाने क्यों नहीं दिया? रात में बोल तो रही हूँ, किसी और का भी कोई आता है ना तो गाँव बाहर नहीं जाने देते। पता चल गया कि तू बहाना बना रही है, ठीक है ना? और प्रैंक को प्रैंक की तरह लिया कर, ज्यादा सीरियस लेगी ना तो चल यहाँ से निकल। चल चल निकल।